हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको दो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये SRP कंपनी का टीवी के ऊपर लिखा है, पर दोस्तों ये जो CRT TV है इसका अंदर चाइना PCB है। सब कुछ आपको दिखाऊंगा और उसका पहले इसका जो प्रॉब्लम है अच्छा करके देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है नेगेटिव पिक्चर प्रॉब्लम, पिक्चर का ऊपर शेडो आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले उसका जो सिम्टम है सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा। इसका साउंड का कोई कुछ भी इशू नहीं है, ओनली पिक्चर का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, पहले से ही टीवी को मैं खोल के रखा हूँ, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। उसका पहले ये जो पिक्चर जिस तरह चल रहा है, देखिए इसका लाइट बिल्कुल ओके है, कलर बिल्कुल ओके है, सिर्फ शेडो नेगेटिव पिक्चर है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो चाइना वाला जो किट है, तो ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है, इसका अंदर इंस्टॉल है। मैं ओपन करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, पिक्चर जो आपको फर्स्ट देखा है इसी तरह पिक्चर चल रहा है। बट दोस्तों, कभी कभी ये जो लाइट है ये बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, आपका वोल्टेज नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग जो नॉलेज मैं ये वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा। तो फर्स्ट कुछ वोल्टेज टेस्ट करके आपको देखाऊंगा। मीटर को 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। तो नेगेटिव पिक्चर शेडो पिक्चर जब आता है तो क्या देखना पड़ता है कि 180 वोल्ट जो बेस वोल्ट का अंदर जाता है, ठीक है। ये जो तीनों रेजिस्टेंस का पॉइंट है यहाँ पर कितना वोल्ट है, देखिए 114.4 वोल्ट, मतलब 115 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों, ये वोल्टेज डाउन है क्योंकि यहाँ पर 180 वोल्ट का आसपास आता है। तो ये लाइन को एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो कुछ प्रॉब्लम आएगा सब कुछ आपको रिपेयर करके देखाऊंगा। तो ये वायर से वो वोल्टेज जाता है और आपको देखाऊंगा कि PCB को थोड़ा सा मैं इसका वायरिंग ओपन कर लेता हूँ क्योंकि उल्टा करके काम करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, ये साइड का कैपेसिटर है, ये 180 वोल्ट लाइन का फिल्टर कैपेसिटर है, ठीक है। इसका काम बहुत कुछ है और ये जैक से वोल्टेज बेस बोर्ड पर जाता है। आपको पीछे साइड से एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये जो EST है, EST का लास्ट नंबर पिन, तो दोस्तों ये 1010 EST है। ये लाइन से एक डायोड है और डायोड का बाद, तो दोस्तों ये जो डायोड है, डायोड का पास ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आयर का थ्रू बेस बोर्ड का अंदर जाता है, ठीक है, 180 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज 150 वोल्ट मिला, बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, 10 माइक्रोफेरेट, 250 वोल्ट का कैपेसिटर अधिकतर देखा जाता है, 4.7 माइक्रोफेरेट भी हो सकता है। तो अधिकतर ये कैपेसिटर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। फाइनली दोस्तों, ये कैपेसिटर को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका नीचे एक टांग टूट गया, मतलब सल्फर के बजाय ये प्रॉब्लम हो गया और ये जो कैपेसिटर ऊपर से देखने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपका जो एक्सपीरियंस है उसी का हिसाब से आप इसी तरह प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। मेरा पास एक न्यू कैपेसिटर है, ये न्यू कैपेसिटर को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, 10 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट का कैपेसिटर। तो चलिए, मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ इसीलिए सोल्डरिंग करना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सोल्डरिंग करने के बाद आपको देखाऊंगा, बट इसका पहले यह पोजीशन पर मैं कैपेसिटर को नेगेटिव और पॉजिटिव मेंशन करके लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप उल्टा लगाएगा तो कैपेसिटर तुरंत फट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्ती, कैपेसिटर को सोल्डरिंग किया, सोल्डरिंग करने का बाद तो आपको एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं, ठीक है। तो मीटर को देखिए 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया और मीटर का लाइट में ऑन किया। अभी एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाया 115 वोल्ट, अभी यहाँ पर वोल्टेज देखिए 175 हो गया, मतलब ये लाइन का जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। बट आपको देखना पड़ेगा कि पिक्चर का क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, पिक्चर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बट इसका जो लाइट बहुत घट गया, इसका लाइट बहुत डाउन हो गया। बट दोस्तों, ये कैमरा का अंदर बहुत ही लाइट लग रहा है। तो दोस्तों, अब नॉर्मल आंखों से देखेगा तो इसका लाइट बहुत ही कम है, इसका पिक्चर अच्छा नहीं है। तो मन में लग रहा है कि EST को थोड़ा सा हाई करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका मन में मैं कुछ भी डाउट नहीं रखना चाहता हूँ,
आप खुद ही देखिए, मैं आपका सामने ये स्टिक को एक बार घुमा के दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इसीलिए आपको धीरे से सब कुछ क्लियर करके दिखाने के लिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आपका पूरा डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगा। देखिए ये स्टिक को मैं फुल रखा था, अभी डाउन कर दिया, आपका सामने ये स्टिक को देखिए, फिर भी मैं फुल करके दिखाता हूँ। देखिए अभी मैं डाउन किया, लाइट बहुत कम है, हल्का सा लाइट आ रहा है, और ये स्टिक को देखिए, ये पिन को मैं फुल करके आपको दिखाना चाहता हूँ, फॉलो कीजिए आप। और देखिए मैं ये पिन को फुल कर दिया, ठीक है, फुल करने के बाद तब भी स्क्रीन के अंदर देखिए लाइट बहुत कम है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कौन पोजीशन से हो रहा है, इसका ऊपर मेरे चैनल के अंदर बहुत प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिल जाएगा। बहुत वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ पोजीशन आपको बताया, तो ये प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि ये बॉल कौन पोजीशन से आ रहा है। बट आपको बताना चाहता हूँ कि ये पोजीशन बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है, ये जो ईएसटी है ईएसटी प्रॉब्लम से हो सकता है, एबीएल प्रॉब्लम से हो सकता है, पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम से हो सकता है। तो दोस्तों मेरा हर वीडियो के अंदर बहुत अलग अलग नॉलेज मिल जाता है, तो दोस्तों इसलिए मैं बताता हूँ कि आप वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों मैं ये पीसीबी छोड़ के चला गया था, और आज मॉर्निंग में आके ये पीसीबी को जब मैं अच्छा करके वोल्टेज चेक किया तो तब भी कुछ भी पता नहीं चला। तो इसीलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसका प्रॉब्लम तो मैं निकाला, बट आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रॉब्लम वोल्टेज चेक करने के बाद भी पता नहीं चलता है। क्योंकि देखिए आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, फर्स्ट इसका 180 वोल्ट लाइन प्रॉब्लम था, वो मैं रिपेयर किया, आपको दिखाया, अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बेसबोर्ड का जो वोल्टेज है, देखिए 180 वोल्ट लाइन का जो प्रॉब्लम था ये अभी सॉल्व हो गया, ठीक है। और पिक्चर अभी जो चल रहा है हल्का सा लाइट, ठीक है, और आपको ये स्टिक घुमा के भी दिखाया, क्योंकि आपका मन में कुछ भी कन्फ्यूजन मैं नहीं रखना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत जो न्यू व्यूअर्स वो बताते हैं कि ये फेक वीडियो है, कि आप ईएसटी को डाउन करके रखा है और बाद में उसको फुल कर दिया, फुल हो गया। इसी तरह कभी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको मैं सच और रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरा सब वीडियो के अंदर, सभी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी चलिए इसका अलग अलग कैथोड पिन वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बी कैथोड पिन है, इसके अंदर जो वोल्टेज अभी देखिए 108 वोल्ट है, और इसका बीच में तो फिलामेंट का ये दिखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो कलर पिन है, ये वोल्टेज आप देखिए 122 है, और ये G2 का, चलिए G2 पिन वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पहले ये जो अरे कलर पिन कैथोड पिन है, ये वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 107 है। और लाइट जब पम्प होगा और लाइट नहीं आएगा, इसी तरह प्रॉब्लम के लिए आपको G2 वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये G2 का पिन का वोल्टेज आप देखिए 156 वोल्ट है, ये G2 का पिन वोल्टेज, और G2 पिन पर टच करने के बाद अब देख सकते हो लाइट बहुत और कम हो जाता है, और G2 पिन छोड़ने के बाद लाइट आ जाता है। बट दोस्तों ये कंडीशन पर जो सिम्टम मिला, आपको पता है कि वोल्टेज चेक करने के बाद पता नहीं चल रहा है, तब भी इसका एक सिम्टम मिला। देखिए G2 पिन पर, ये मीटर पर फॉलो कीजिए, मैं G2 पिन पर टच करके दिखाता हूँ कितना वोल्ट है अभी, देखिए 154 वोल्ट है, ठीक है, मतलब G2 पिन पर वोल्टेज आ रहा है। और स्क्रीन का अंदर देखिए हल्का सा लाइट है, और पिन में टच करके रखा हूँ, और पिन छोड़ने के बाद थोड़ा सा लाइट बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पिन छोड़ने छोड़ के, देखिए पिन में छोड़ दिया तब भी लाइट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही इसका सिम्टम है, इसका मतलब कि मीटर से टच करने के बाद स्क्रीन का लाइट गायब हो जाता है, और मीटर का कॉर्ड छोड़ने के बाद, यहाँ से आउट करने के बाद थोड़ा सा लाइट बढ़ जाता है, बट ये जो स्क्रीन का अंदर देखने को मिलता है ये नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो G2 का पिन काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जो G2 का पिन अच्छा से काम नहीं कर रहा है। बट दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसका अंदर जो PF है, ये जो ग्रीन वाला PF है, 2 KV का जो PF रहता है, 102 का ये ब्लू वाला PF, ये PF फॉल्ट है। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसी तरह प्रॉब्लम का ऊपर मैं एक वीडियो बना के दिखाया प्रैक्टिकली। तो दोस्तों अलग अलग वीडियो के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बट मैं एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन। इसी तरह प्रॉब्लम के लिए दोस्तों ईएसटी भी फॉल्ट हो सकता है,
क्योंकि ईएसटी का अंदर से ये जी टू लाइन का वोल्टेज मिसिंग होगा तो इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है। ईएसटी का अंदर से ये जो जो फाइनल एनोड का जो वोल्टेज है ये डाउन हो जाएगा तो लाइट कम हो सकता है, ठीक है, इसी तरह हो सकता है ईएसटी खराब होने का रीजन से। ये लाइन का अंदर जो एबीएल लाइन है, एबीएल लाइन का वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हो जाएगा और बीच में कुछ डायोड देखा जाता है वो प्रॉब्लम होने का रीजन से भी इसी तरह हो सकता है। आईसी प्रॉब्लम का रीजन से भी हो सकता है। बट दोस्तों ये टीवी का अंदर जो प्रॉब्लम आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए लाइट बहुत कम है, ठीक है, इसका जो प्रॉब्लम है ये जी टू का पीएफ। तो वोल्टेज तो मिल रहा है, तो दोस्तों ये पीएफ पूरा शॉर्ट नहीं है, जो मैं पहले ये वोल्टेज चेक करके देखा। बट दोस्तों ये मैं नोटिस नहीं किया कि स्क्रीन का लाइट का कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, हल्का सा लाइट पहले जैसा जिस तरह यही था। और ये छोड़ने का बाद आपको एक साथ दिखाना चाहता हूँ, देखिए मीटर कॉर्ड मैं छोड़ रहा हूँ, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, देखिए कुछ भी लाइट का डिफरेंस नहीं आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीएफ है, ये पीएफ को ओपन करूँगा। तो चलिए इतना कुछ ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, मैं बेसबोर्ड ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, ये पीएफ को मैं ऊपर से ही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ और लाइव दिखाने के लिए प्रॉब्लम तो हो जाएगा, तब भी मैं थोड़ा सा हीट करने का बाद ये पीएफ को मैं इसी तरह बाहर कर दिया, ठीक है, देखिए इसी तरह बाहर कर दिया। अब अच्छा करके देखिए इसका एक पिन मैं बाहर कर दिया, ठीक है, ये पिन को। तो आपका सामने एक बार लाइव देखाऊंगा कि लाइट कितना आ रहा है। देखिए मैं फिर भी सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया और अभी स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, देखिए दोस्तों कितना लाइट आ गया, स्क्रीन का लाइट देखिए कितना ज़्यादा आ गया, अब देख सकते हो पूरा स्क्रीन का लाइट। तो कैमरा का वजह थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको और फ्रेश करके दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए पिक्चर बिल्कुल फ्रेश आ गया, तो आपको घुमा के भी एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। और तो दोस्तों अभी तो ये पीएफ ओपन है, पिक्चर और क्लियर पाने के लिए ये जो पीएफ एक बार लगाना पड़ेगा। तो मेरा पास एक पीएफ है, मैं अभी टेस्ट करके देखा, तो आपको ये पीएफ लगा के देखाऊंगा। ये पुराना पीसीबी से मैं ओपन किया, ठीक है, ये पीएफ का वैल्यू 102.102, ठीक है, पीएफ है और इसका 2K भी इसका वोल्टेज वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ भी टीवी से पीएफ ओपन करके आप लगा सकते हो, आप देख सकते हो लाइट बहुत ज़्यादा आ गया। चलिए मैं सप्लाई ओपन करके ऑफ करके यहाँ पर एक पीएफ लगा के आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपका साथ शेयर किया, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ये चैनल पर आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, पहले से ही जो दोस्त ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है मैं सबको थैंक यू देना चाहता हूँ। और दोस्तों एक मंद बाद मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम को और आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहते हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा और एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री में।